आशा करता हूँ गाइज आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही चुके हैं कि इस वीडियो में आपको क्या चीज़ को लेके बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो को स्टार्ट करूँगा। उससे पहले गाइज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना गाइज, ठीक है। और इस वीडियो में आप लोगों को जो जो चीज़ मैं सिखाऊंगा, आप लोग अगर उस तरीके से अपने वीडियो को अपलोड करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ गाइस आप लोगों का वीडियो जल्द से जल्द वायरल होगा और आपका आपका जो सपना है यूट्यूब पर आने का वो सपना सच हो जाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं। जैसा भी हम लोग वीडियो मतलब वीडियो वीडियो कुछ भी हम लोग बनाने अपलोड करेंगे तो यूट्यूब पर आएंगे, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, शॉर्ट हो या वीडियो हो हम लोग लेकर उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ तो हम सबको ही पता है, लेकिन आपको क्या ये चीज़ पता है जो मैं आप लोगों को भी वीडियो के आगे में बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो चलो वीडियो देखो और गाइस स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें करना है, हमें टेक्स्ट पर जाना है। ठीक है गाइस, तो ऑलराइट गाइस हम लोग टेक्स्ट पर आ चुका है। यही वो जगह है गाइस जिससे मैं आप लोगों का हर डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आप लोगों का वीडियो में व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइस 28 दिन में आप लोगों का सेम प्रोसेस में मैं जो बताऊंगा उसमें वीडियो को डालोगे तो आप लोगों को इसका फलाफ मतलब जो फल होता है ना वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए गाइस यूट्यूब का जो फॉर्मेट होता है 28 डे मतलब मंथ जो होता है 28 डे का होता है। ठीक है, अब आप लोग सोच लीजिए अब 28 डे में कितने दिन वीडियो अपलोड करेंगे, ये पहला दिन एक वीडियो, दूसरा दिन एक वीडियो, तीसरा दिन एक वीडियो, चौथा दिन एक वीडियो, पांचवा दिन एक वीडियो, छठा दिन एक वीडियो, सातवा दिन एक वीडियो, मतलब ऐसे करके आप लोग गाइस 10 दिनों तक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है गाइस, 10 दिन में गाइस आप लोगों ने 10 वीडियोस अपलोड कर दिया है। ठीक है कि 10 दिन आप लोगों ने वीडियो अपलोड कर दिया, तो पहला दिन आप लोगों ने क्या किया, पहले दिन जो आप लोगों ने वीडियो बनाया है उस दिन क्या किया, मान लीजिए आपका न्यू चैलेंज है, न्यू चैलेंज पर आप लोगों को 3 दिन बाद ही वीडियो अपलोड करना चाहिए, तो पहला दिन आप लोगों को कैसा वीडियो अपलोड करना होगा, आपका कैसा वीडियो मतलब आपका कैसा चैलेंज है, किस कैटेगरी का चैलेंज है, मान लीजिए आपका गेमिंग का चैलेंज है तो पहले दिन आप लोग कैसा वीडियो अपलोड करेंगे, कितने बजे वीडियो अपलोड करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग पहला दिन कौन से टाइम पर वीडियो अपलोड करेंगे ये हम आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है गाइस, ठीक से वीडियो को देखो गाइस। ठीक है, पहला दिन मान लीजिए हम लोग अपलोड करेंगे 4:30 पे। ठीक है गाइस, 4:30 पे। ठीक है, 4:30। ठीक है, दूसरा दिन भी सेम प्रोसेस 4:30। ठीक है, और तीसरा दिन भी गाइस हमारा सेम प्रोसेस होगा। गाइस वीडियो को स्किप मत करो, ठीक से देखो। चौथा दिन भी गाइस हमारा सेम प्रोसेस में ही होगा, 4:30। ठीक है, पांचवा दिन भी हमारा सेम प्रोसेस होगा, 4:03। ठीक है गाइस, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तो 5 दिन ही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस आपका पहला जो वीडियो होता है उसमें आता है 1K व्यूज़ मान लीजिए। दूसरे दिन पर आता है आपका 2K 2500,
आता है आपका व्यूज़, ठीक है। तीसरा दिन आपका आता है तीसरे वीडियो पर सेम टाइम पे गाइस 500, ठीक है। और चौथवा दिन पर आप लोगों का गाइस आता है जो मैं बता रहा हूँ गाइस व्यूज़ के बारे में और टाइमिंग के बारे में, ठीक है गाइस, व्यूज़ और टाइमिंग के बारे में, ठीक है। तो आपका चौथा दिन आपका जो होता है, चौथा दिन जो आपका होता है जीरो व्यूज़ आता है, मान लीजिए, ठीक है, जीरो व्यूज़ आता है। और पांचवा दिन जो है आप लोगों को किसी और का वीडियो या आपका खुद का भी वीडियो में, शॉर्ट वीडियो या फिर फुल वीडियो में, मान लीजिए गाइस आपका तीस चौथवा दिन में जीरो व्यूज़ आता है और पांचवें दिन में 20K या फिर 10K व्यूज़ आ जाता है आपका शॉर्ट वीडियो में या फिर फुल वीडियो में। लेकिन आपको टाइमिंग सेम है 4:30 पर, ठीक है। तो हमारा पहला जो है 1K आया, दूसरा जो है वो 2.5K आया, और तीसरा जो है 500 व्यूज़ आया, और चौथा जो है जीरो, और पांचवा जो है लास्ट वाला उसमें 10K व्यूज़ आ जाता है, ठीक है। अब आप लोग सोचते हैं कि मैं छठा दिन में वीडियो जो अपलोड करूँगा वो, मतलब आपके छठा दिन पे आपका आया, आप लोग किस टाइम पे वीडियो अपलोड करेंगे, मान लीजिए 9:10 या फिर 11 बजे लोगों गाइस आपने पहला वीडियो अपलोड किया 9 बजे या फिर 10 बजे या फिर 11 बजे, चलो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं 11 बजे, ठीक है। और दूसरा वीडियो आप लोगों ने अपलोड कर दिया 1 बजे, ठीक है। और तीसरा जो वीडियो है आप लोगों ने जिस टाइम पे वीडियो अपलोड किया था उस टाइम पे, मतलब 4:30 पर, ठीक है, 4:30 पर, ठीक है। तो अब आपका मेन पॉइंट शुरू होता है, मेन चीज़। तो आपके 11 बजे जो वीडियो अपलोड किया था उसमें व्यूज़ जो आएगा 1 या फिर 5 या फिर 10 या फिर 0 भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इधर 10 व्यूज़ डाल दूँगा, ठीक है, और 1 बजे जो वीडियो को अपलोड किया था उसमें मान लीजिए 5, ठीक है, और दोनों वीडियो में व्यूज़ एकदम से कम आ जाता है, रीच भी सब कुछ कम हो जाता है, ठीक है। और 4:30 जो आप लोगों ने जो वीडियो अपलोड कर रहे थे उसमें जो व्यूज़ आ रहा था, अभी उसमें जो आएगा व्यूज़ देख लीजिए ज़रा, सेम ही होगा गाइस, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही होगा, इसमें व्यूज़ बहुत ही कम आएगा या फिर 0 भी आ सकता है, ठीक है, व्यूज़ ही नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोगों ने कुछ, आप लोग टेंशन में आज चाहते हो कि मैंने तो ये मेरे दूसरे वीडियो पे अच्छा अच्छा व्यू आया, लेकिन इस वीडियो पे 1 बजे अपलोड किया, 11 बजे अपलोड किया, व्यूज़ क्यों नहीं आया। यूट्यूब ने जो आपका सर्च था, यूट्यूब सर्च शॉर्ट वीडियो का जो है आपका फ्रीज हो जाता है, क्योंकि आप लोग सेम टाइम पे वीडियो जो अपलोड कर रहे थे आप लोगों ने अपना टाइम चेंज कर दिया था, ठीक है, आप लोगों ने अपना टाइम चेंज कर दिया, इसीलिए ही ऐसा हुआ। तो आप लोग जो है एक ही पॉइंट पे बार बार गलती करते हैं, आप जैसा सेम दिन आप लोग पहले दिन जो वीडियो अपलोड किया था उसमें अच्छा खासा व्यूज़ आया था, आपने सही टाइम पे वीडियो अपलोड किया था उसमें 1K लाइक व्यूज़ आता है, दूसरे में भी अच्छा व्यूज़ आता है, तीसरे में थोड़ा सा डाउन होता है, चौथे में व्यूज़ ही नहीं आता है, लेकिन आपके पांचवें वीडियो में बहुत ही अच्छा व्यूज़ आता है। और आप लोगों ने अगर वैसे ही सेम टाइम पे अगर वीडियो को अपलोड किया होता तो आपका व्यूज़ डाउन नहीं होता, ठीक है। YouTube का एक ही टाइमर है, आपको आप
कोई भी एक टाइम सिलेक्ट करना होगा आपको, उसी टाइम पे हर दिन वीडियो अपलोड करना होगा। हर दिन नहीं तो एक हफ्ते में दो तीन वीडियो आप लोग अपलोड कीजिए उस टाइम पर, तब क्या होगा आपका वीडियो यूट्यूब जो है हर लोगों के पास भेजेगा। ठीक है, आप अगर आप लोग इस टाइम पे एक बार अपलोड हो गया, उस टाइम पे अपलोड हो गया, तो ऐसा करने से आपका यूट्यूब फ्रीज हो सकता है। तो इससे अगर आप लोग बचना चाहते हो तो एक ही टाइम पे वीडियो अपलोड करिए 28 डे तक। ठीक है, अगर आपको 28 डे तक वीडियो अपलोड करने के बाद आपका व्यूज नहीं आती है तो मुझे गाली दे के चले जाना। ठीक है गाइज, मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूँ गाइज, आपका जो है 28 डे तक आप लोग वीडियो अपलोड कीजिए, एक टाइम पर आपका व्यूज आएगा और बहुत अच्छा आएगा। और आप लोग आपका वीडियो में जो जो टाइटल थंबनेल हैशटैग डालते हैं वैसा ही करिए, व्यूज़ आपका आएगा और सब्सक्राइबर भी आपका होगा और व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा में आएगा। और आप लोग एक टाइम चूज़ कर लीजिए। ठीक है गाइज, तो गाइज यही था आज का हमारा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन ऑन करिए। और गाइज वीडियो में अगर कुछ भी आप लोगों को समझ में अगर ना आया हो तो मुझे बोलिए, मैं आप लोगों को फिर से अच्छी तरीके से वीडियो बना के दूंगा। और गाइज मैंने जो अभी तक आप लोगों को बोला है 28 डे तक आप लोग सेम प्रोसेस में वीडियो अपलोड कीजिए, आपको इसका फल मिल जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।